नमस्कार दोस्तों, वैष्णवी ऑर्गेनिक डेयरी फार्म में आपका स्वागत है। आज मैं पहुंचा हूं शहर तेलपा से 3 किलोमीटर आगे खड़ासिन गांव, जहां पे एक मिड्यूल बहुत ही एडवांस डेयरी फार्म भी है और साथ में आइसक्रीम का फैक्ट्री भी है। तो आप इन गायों को कैसे संचालित करते हैं भाई जी? इनको देते हैं भूसा खाने के लिए। अच्छा। और उसके बाद हरा चारा, जिनोरा हो गया, और मिनरल देते हैं। अच्छा। और उसके बाद में सुधा दाना देते हैं और वही चोकर। मिनरल कौन सी कंपनी के देते हैं? बेस्टमैन। बेस्टमैन गोल्ड। ओके। कैल्शियम भी देते हैं? कैल्शियम ना देते हैं। और दाना में क्या देते हैं? दाना में देते हैं वही तारा गोल्ड करके आता है, सुधा दाना। तारा गोल्ड अच्छा, मतलब अच्छा रिजल्ट है। 1350 रुपये बोरा है वो। अच्छा, गाय कै लीटर दूध देती है? गाय तो देता है 16 लीटर। 16 लीटर दूध देता है। अच्छा। और वो जो अगली गाय जो आप देख रहे हैं, इसका थन का बनावट जो है बहुत अच्छा लग रहा है, और इससे ही लग रहा है कि मिल्किंग अच्छा कैपेसिटी होगा, क्योंकि अडर का जो है काफ़ी बड़ा इसका वो बना है, रुझान है इसके ऊपर। तो ये जो गाय है, इसका मिल्क वेन निकला हुआ है, नस जो बाहर दिख रहा है थन पे, ये ज़्यादा दूध देने का निशानी होता है। क्या आप सहमत है? कितना लीटर दूध देती है? 14 लीटर। मतलब 14 लीटर दे देता है तो बहुत अच्छी, 15-14 लीटर दूध काफ़ी मायने रखता है, मतलब अच्छा डेयरी फार्म। ये इसका ही बच्चा है, तो आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा जो है मैनेजमेंट है, साफ सफाई है और काफ़ी ध्यान रखा जाता है। यहाँ पे हीफर भी है 2-3, और ये भी क्रॉस ब्रीड जो HF नस्ल है, जो होलिस्टियन फ्रीजियन बोलते हैं, ये जर्सी है, और ये भी इसका भी नस्ल अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा मिल्क प्रतिशत लगता है इसका। ये भी उसी का रेंज के है, 14-15 के। 14-15 के रेंज में। तो मतलब एक अच्छा खासा डेयरी फार्म इन्होंने अपना बना के रखा है और सिस्टम को इन्होंने ऑपरेट किया है। ये देखिए, इसका मिल्किंग कैपेसिटी भी ठीक ठाक है, थनून अच्छा है बहुत, और गायों का जो मैनेजमेंट है, इसका जो दाना पानी का जो व्यवस्था है, थोड़ा ये इस तरह से बनाए हैं कि जिससे जो है गाय को जो है आराम से नाद में, बड़ी नाद में खाना खा सके। और पानी पुनी कैसे इसको देते हैं नाद में? तो पानी तो डायरेक्ट पंप से डाल दिए, पिला दिए। अच्छा। दोपहर में घाटा तो एक नाद में भर दिए। ओके। तो दोस्तों, ये जो इनका और भी गाय है, जो दूसरी शेड है वहाँ पे हम पहुँचे हैं, इसकी मिल्किंग कैपेसिटी कितना है, कै लीटर दूध देती है? 14 लीटर। और इसको दाना पानी में सेम जो है दारा में, मकई का दारा भी देते हैं? दारा देते हैं, सुधा दाना देते हैं, सुधा दाना देते हैं, खल्ली भी देते हैं। कौन सा कंपनी का खल्ली देते हैं? सरसों वाला। अच्छा। और ये देख सकते हैं इनके पास बहुत ही देखिए शानदार गाय है, एक जर्सी में, और शायद ये देसी ब्रीड से निकला हुआ बहुत ही टॉप क्लास का संकर नस्ल की गाय है। और इसके थान को देख सकते हैं, थन को बहुत ही शानदार है। कितना लीटर दूध देती है ये गाय? ये भी 14 लीटर दूध देती है। इसका मतलब सब जो है 14-15 लीटर का एवरेज जो इनका गाय है। ये बताइए, आपकी पूरी गाय कितने लीटर दूध देती है? पूरी गाय मिला करके हमारे पास में दूध हो जाता है 120 लीटर। 120 लीटर। आप दिन भर यहाँ काम करते हैं, आपको कैसा महसूस होता है यहाँ काम करके? जी ठीक है सर, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा सर। गाय में बताते हैं कि एक समय पूरे भगवान जो है गाय में आकर के वास किए थे, तो गाय सबसे शुद्ध प्राणी है, और इस पे हाथ रखने से ब्लड प्रेशर तक समाप्त हो जाता है, कई रोगों से आदमी इससे मुक्त हो जाता है। तो इनका सेवा करना भी बहुत धर्म है जी। तो और क्या बताना चाहते हैं आप? बच्चों से यही तो सेवा करते हैं सर, सेवा मिले तब नहीं। हाँ बिल्कुल मिलेगा। और ये देख सकते हैं आप लोग, ये जो है इनका थोड़ा सा जो है मैनेजमेंट जो है, पुराना सेट बनाया है इन्होंने, थोड़ा इसको और मिड्यूल स्मार्ट डेयरी फॉर्म बनाना चाहिए, क्योंकि अब समय के साथ परिवर्तन मांग रहा है, क्योंकि इनका जो फॉर्म है थोड़ा पुराने टेक्निक से बना हुआ है, 2012 का ही फॉर्म है, क्योंकि यहाँ हार्ड वर्क ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पे ऑटोमेटिक पानी पीने का भी सिस्टम नहीं है, गोबर उबर मशीन से कलेक्ट होने वाला नहीं है, तो बहुत सारा जो यहाँ पे प्रॉब्लम इनको जो दिखाई दे रहे हैं मैनेजमेंट में,
काफी लेबर का जो है वर्कलोड ज्यादा होता होगा यहाँ पे, तो और क्या बताना चाहते हैं कुछ यहाँ पर जो काम होता है, जैसे आइसक्रीम बनती है, वो आइसक्रीम बनाने के लिए जो है इस दूध को क्या मतलब पेस्टराइज करते हैं? हाँ, इसी दूध से उपयोग होता है मेरा आइसक्रीम। अच्छा, वो कैसे करते हैं? उसको गर्म करते हैं। अच्छा, चलिए तो वहाँ पे एक बार आप बताइए कि कैसे इस मतलब इस सिस्टम को वो करते हैं। ये देख सकते हैं, ये लास्ट में आप लोग देख लीजिए, ये जो जर्सी गाय है, संकर नस्ल की क्रॉस ब्रीड की गायें हैं और बहुत ही शानदार गायें हैं सब, और देख सकते हैं इनके थन और बनावट बहुत ही शानदार है, जो अधिक दूध देने की जो इनकी क्षमता है, गाय का जो सेहत है, ये 14 महीना का देखिए बच्चा है और 4 महीना का गाभिनो हो गया है, तो ये मतलब ब्रीडिंग के ऊपर काफ़ी ध्यान दिए हैं, नस्ल के ऊपर, और यहाँ मैनेजमेंट भी अच्छा है इसका, मतलब क्योंकि टाइम से गाभिन हो रही है, टाइम से बड़ा हो रहा है, हिफर जो गाय का जो बच्चा है वो टाइम से बड़ा होकर के गाभिन हो रही है और बच्चा और दूध दे रही है, वो साहिवाल नस्ल की लग रहा है, तो काफ़ी अच्छा मैनेजमेंट मुझे लगा है, और आप लोग ऐसे ही डटे रहिए और इस क्षेत्र को और विकसित किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा। हाँ, ओके। ये क्या है ये जो ये, इसमें कैसे आप ऑपरेट करते हैं आइसक्रीम को? खोल के दिखाइए। इसमें पैड डालकर इसमें जो पैड है ये आपको 12 घंटा चलता है, तो पैड बर्फ रहता है? हाँ, बर्फ पैड में जमता है मशीन में। अच्छा, फिर इस समय डाला जाएगा तब तक 12 घंटा तक ही। हाँ हाँ, मतलब ये पैड जो है इसके अंदर आप पानी भर देते हैं? आप पानी भर के पहले फिर बर्फ में, इसमें कोल डाला हुआ है, खराबे न होता है साल दो साल, इस साल दो साल खराबे नहीं होता है? ये तो बहुत अच्छा मतलब आपका व्यवस्था हो जुगाड़े। देखिए आइसक्रीम, इसमें काफ़ी आइसक्रीम यहाँ से सेल होकर के आया है, और कुल्फी का आपके पास बनाने का सुविधा नहीं है? कुल्फी भी बनता है, मार्केट में थोड़ा सा उसका चलता नहीं, मार्केट में मतलब कुल्फी का मांग कम है। अच्छा, बहुत अच्छा, देख लिए आप दोस्तों, ऐसे इनका सेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, जो जनता तक पहुंचाते हैं। और ये क्या है? ये सप्लाई देने वाला गाड़ी है एसी, जो 24 घंटा तक ही चार्ज हो जाता है, 12 घंटा उसके बाद 24 घंटा तक ही टेम्परेचर रहता है। अच्छा, इसके अंदर जो है टेम्परेचर को कंट्रोल करने का मशीन लगा हुआ है, जो ठंडा रखने वाला चल रहा है। हाँ हाँ, ठंडा है पूरा, डाल करके माल सप्लाई ले जाता है। अच्छा, इसमें जो है बड़ा डिलीवरी के लिए, ज़्यादा अगर डिलीवरी कहीं आइसक्रीम या कोई आइटम दूध करना है तो इसके लिए इस गाड़ी को इस्तेमाल करते हैं, और ये जो है बहुत ही अच्छा खुद से बनाया हुआ गाड़ी के ऊपर जो मतलब टैंकरोरी समझ लीजिए पूरा, इसमें बहुत सारे दूध से रिलेटेड आइटम जाता होगा डिलीवरी के लिए। आगे बताइए कुछ कंपनी में कैसे आपका काम होता है? यहाँ पे देख सकते हैं ये इनके बहुत सारे वो हैं, जहाँ पे आइसक्रीम स्क्रीम जो भी है इनका प्रोडक्ट बनता है, ये मशीनें हैं। मेरा मेन प्रोडक्ट माल निकालने वाला, एक कौन सा माल निकालता है? दूध हमने बनाया वहाँ पे गर्म करके, सारे चीज मिला करके, केमिकल केमिकल पाउडर। हाँ हाँ, बाद में इसमें भी आएगा वहाँ पे।